हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने एमएस चौहान के क्वेश्चन आंसर के सीरीज को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे आपके अल्काइल हैलाइड्स में जो 5B वाला है, जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, उस चैप्टर को यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल लाइट गिव्स ओनली वन प्रोडक्ट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स व्हेन अंडरगो E2 इल्यूमिनेशन। तो देखो, आपको पता है कि E2 इल्यूमिनेशन में क्या होता है। E2 इल्यूमिनेशन एक तरह का एंटी इल्यूमिनेशन रिएक्शन है, जिसमें क्या होगा, अगर आपका बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है तो वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और वहां से एक इल्यूमिनेशन प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं एक एक बार सभी ऑप्शन को एनालाइज करूं, देखिए जो आपको फर्स्ट ऑप्शन बना हुआ है, जो आपको यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब देखो यहां पे कई सारी बीटा पोजीशंस है जहां से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। हो सकता है आइदर इस पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट हो जाए या इस पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, तो ढेर सारे पॉसिबिलिटी है जहां पे कई सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन सेकंड ऑप्शन को भी देखें, तो इस तरह से यहां पे हैलोजन है, तो अब यहां पे भी देखिए इस वाले बीटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इस वाले बीटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इधर से भी एक बार इलिमिनेशन हो सकता है और इस तरफ से भी हो सकता है, यानी यहां पे भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। ऑप्शन सी में भी अगर आप देखोगे तो अब आप समझ ही चुके होगे कि ये भी अगर हैलोजन है तो इस बीटा पोजीशन पे और इस बीटा पोजीशन पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो आप अगर दोनों जगह से एलिमिनेशन को प्रोसीड करोगे तो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखोगे। लेकिन जो ऑप्शन डी है हमारा, उसको जरा एक बार ध्यान समझिएगा, ये है ऑप्शन डी। अब देखो, चाहे इस पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करो या इस पोजीशन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करिए, आप दोनों बातें सेम है, यानी यहां पे ओनली एंड ओनली वन प्रोडक्ट बनेगा और वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चाहे इधर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लो चाहे इधर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लो, बात वही है। तो इसमें एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन डी ही है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक बन रहा है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट और एक बन रहा है हमारा सेटजेफ प्रोडक्ट। ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। इसको कौन सा प्रोडक्ट बोल रहे हैं, हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोल रहे हैं, और अगर इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा तो इसको क्या बोल रहे हैं, हम सेटजेफ प्रोडक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब आपको बताना है ये किस में हो सकता है। तो देखो, हमको पता है कि हॉफमैन प्रोडक्ट आपका दो ही केसेस में होता है, या तो जब आपका जो बेस होता है वो क्या होता है, काफी बल्की अगर बेस होता है तो ऐसा केस होता है, या दूसरा केस होता है कि जब बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, अब आपको जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सब में हैलोजन ही है, और सभी हैलोजन में सबसे बेकार लिविंग ग्रुप जो है वो कौन सा है, आपका फ्लोरीन। तो यानी हॉफमैन प्रोडक्ट के लिए कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, हमारा फ्लोरीन मैच कर जाएगा, और यहाँ पे हमको किससे मैच करना है, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो अब सेटजेफ प्रोडक्ट बनाना है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा मेरे लिए तो उतनी अच्छी बात है। सभी हैलोजन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, आयोडीन होता है, तो इसके लिए आयोडीन हो जाएगा। यानी ए वाले ऑप्शन में जो हमें सेटजेफ बनाना है उसके लिए आयोडीन सही है, और बी वाले में जिसमें हमको हॉफमैन बनाना है उसके लिए कौन सा सही है, फ्लोरीन सही है। तो हो जाएगा ए कॉमा डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में हमको कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक कंपाउंड दे रखा है। ठीक है, ये कंपाउंड दे रखा है, हमको क्या बोला है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इसका कराना है। ठीक है, तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या है। इसको किसी के साथ, किसी अल्काइल हैलाइड के साथ में ट्रीट करते हैं, जैसे मान लीजिए CH3Cl के साथ में ट्रीट किया, फिर एलिमिनेशन कराने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम सहारा लेते हैं मॉइस्ट Ag2O का, और थोड़ी सी हीटिंग कराते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। कैसे होता है आपको मैं बता दूं फिर से, पहले किसी अल्काइल हैलाइड के साथ में ट्रीट करते हैं, फिर मॉइस्ट Ag2O के साथ में क्या करते हैं, हीट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, मॉइस्ट Ag2O है ना, तो इससे AgOH बनता है जिससे निकलता है OH- आयंस जो कि इल्यूमिनेशन करवाता है। तो अब देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है ये इसको इस तरह से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl आपका लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या कंपाउंड देखने को मिलेगा, हमको कुछ कंपाउंड इस तरह से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ये N है जिससे अटैच हो जाएगा CH3 और एक हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन की चार वैलेंसी हो गई है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब जो मॉइस्ट Ag2O है वो क्या करेगा, आपका इस तरह के जो बीटा पोजीशन है, ये जैसे ये हो गई अल्फा पोजीशन, ये हो गई बीटा पोजीशन, तो इस बीटा पोजीशन से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इस तरह से वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इसको जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये चीज इस तरह से यहाँ से लीव कर जाएगा। समझ में आ रहा है, जो बीटा एलिमिनेशन करते हैं सही। तो अगर एक बार, जब एक बार हमने किया, एक बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाया, तो आपने देखा आपको कुछ इस तरह का यहां पे कंपाउंड देखने को मिला।
ठीक है, यहाँ पे हो गया NCH3, समझ में आ रहा है। अब एक बार और हमको कराना है, तो चलिए एक बार और कराते हैं हम इसको। फिर से हमने कराया रिएक्शन CH3Cl के साथ में, तो होगा क्या कि ये नाइट्रोजन इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन देगा, ये Cl यहाँ से लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा देखिए। फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये N, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है ये CH3, ठीक है, यहाँ पे एक H छूट गया इस तरह से, ये H, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा प्लस चार्ज। फिर से वही क्राइटेरिया बन गई यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि ये जो OH माइनस आयन है इस बीटा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा और ये अलग ग्रुप यहाँ से इस तरह से लीव कर जाएगा। तो सारा कुछ करने के बाद आप देख सकते हो हमें किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हमको देखने को मिल जाएगा। ऐसा हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा है, ऐसा हमको ऑप्शन ए में बना के दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो आज के बाद अगर कहीं पर भी लिखा है हॉफमैन एडजस्टिव मेथाइलेशन, समझ जाइएगा कि वो इस रिएजेंट की वहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये जो क्वेश्चन 4 है ना, इसको मैंने आपका डिस्कस कर दिया है, इसको मैंने सेम क्वेश्चन मैंने अपने कोप रिएक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया है, तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके इसको देख लें। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है कि कोप रिएक्शन क्या होती है और इस रिएक्शन को, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वहां पे एज अ एग्जांपल लेकर समझाया, तो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। अब देखिए क्वेश्चन 5 में हमको कुछ इस टाइप का कंपाउंड यहां पे बना रखा है, ठीक है। यहां पे ये वेट्स पोजीशन पे इस तरह से दे रखा है CH3 और डैश पोजीशन पे दे रखा है टोसाइलेट OTS दे रखा है। हमें किसके साथ में रिएक्शन करानी है, OH माइनस साथ में रिएक्शन करानी है। आपको पता है जब भी इलिमिनेशन होता है तो वो एंटी इलिमिनेशन होता है, तो अगर यहाँ पे CH3 वेज पे है तो इस यहाँ पे हाइड्रोजन डैश पे होगा, तो आप देखो ये भी डैश पे, ये भी डैश पे है, तो दोनों एंटी पोजीशन पे तो है नहीं कि इलिमिनेशन हो पाए, तो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन से तो इलिमिनेशन नहीं हो सकती। लेकिन इधर वाला जो कार्बन होगा, ये वाला पर्टिकुलर कार्बन होगा, इस पे एक हाइड्रोजन किससे प्रेजेंट होगी, आपकी वेट प्रेजेंट होगी, तो ये OH माइनस आयन क्या करेगा, इसको इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करेगा और OTS क्या होगा यहां से निकल जाएगा। तो जो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमको किस ऑप्शन में बना के दे रखा है, ऑप्शन बी में बना के दे रखा है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे सिंपली हमको एक तरह का E2 इलिमिनेशन रिएक्शन कराना था। E2 इलिमिनेशन मतलब एंटी करवाना था। एंटी कैसे होगा आपका, जब लीविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एंटी पोजीशन पे, तो यहाँ पे तो दोनों सिमिलर पोजीशन पे हैं, तो इधर से नहीं हो सकता, तो इधर से हो गया और हमारा काम वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे MS चौहान के। अगर आपको किसी और क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।